कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप वो सभी अच्छे होंगे। आप सभी को जैसे पता है कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, उन्होंने हमारे प्रेजेंट प्रधानमंत्री जो कि अभी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी को एक चिट्ठी लिखी है, एप्लीकेशन लिखी है, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को कैसे कोविड के साथ जूझना है उसके बारे में बताया है, और उन्होंने वैक्सीनेशन के बारे में कुछ बातें कही हैं कि उनको वैक्सीनेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वो कौन सी बातें हैं मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं वो एक इकोनॉमिक्स के माहिर हैं, यानी कि अर्थशास्त्र के माहिर हैं। उन्होंने 18 अप्रैल 2021 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक एप्लीकेशन लिखी है, चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है, डियर प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, कि 1 साल से ज़्यादा हो गया है, ओके, कोविड-19 महामारी को हमारे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में रहते हुए, ओके, कई जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहे, ओके, या फिर कई जो लोग हैं वो अलग अलग सिटीज़ में रह रहे हैं, अलग अलग शहरों में रह रहे हैं। कई बुज़ुर्ग जो कि दादा दादी हैं वो अपने पोतों से या पोतियों से नहीं मिल पा रहे। जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, वो उनकी जो क्लासें हैं, क्लासरूम्स हैं, वो खाली पड़े हुए हैं, उनमें बच्चे नहीं दिख रहे उनको, और कईयों का रोज़गार जो है उनसे छीन लिया गया है इस कोविड ने, ओके। और जो लोग हैं, मिलियंस ऑफ लोगों, मतलब कि करोड़ों लोगों जो हैं वो गरीबी में फिर से चले गए हैं। जो कि पहले थोड़ा सा सेटल हुए थे वो फिर से जो है गरीबी में धकेले गए हैं, ओके। और इसमें उन्होंने लिखा है कि मैं आपका ध्यान कुछ बातों की ओर लेके जाना चाहता हूँ। सबसे पहली जो मेन बात उन्होंने इसमें बताई गई है, इसमें यही बताया कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम को इनक्रीज़ किया जाए, वैक्सीनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बढ़ाया जाए। और उन्होंने कुछ बातें कही हैं, वो बातें कौन सी हैं? सबसे पहली बात उन्होंने कही है, सरकार को ये बताना चाहिए कि वैक्सीन प्रोड्यूसर, जिन्होंने वैक्सीन बनानी है, उनको कितना ऑर्डर दिया जा रहा है वैक्सीन के लिए, और वो कितना अगले 6 महीने में हमें जो है वैक्सीन दे सकते हैं, कितनी वैक्सीन हमें दे सकते हैं। सरकार को ये बता देना चाहिए। अगर सरकार ये चाहती है कि मैं लार्ज से नंबर, अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाऊँ, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको एडवांस में ही जो है अपना ऑर्डर जो है वैक्सीन प्रोड्यूसर को देना पड़ेगा। उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर जो है एडवांस में ही उनको देना पड़ेगा, ताकि वो टाइम पे क्या कर सके, टाइम पे वैक्सीन की प्रोडक्शन कर सके, वैक्सीन को बना सके और हमें दे सके। इसीलिए हमें जो है वैक्सीन को टाइम एडवांस में ही प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर जो है देना पड़ेगा। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पहली बात कही। अगली बात उन्होंने कही कि सरकार को ये भी बताना चाहिए कि हम जो वैक्सीन हमारे पास आएंगी वो हम कैसे स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस हिसाब से करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को क्या करना चाहिए, सेंटर सरकार को 10% वैक्सीन जितनी भी प्रोड्यूस हुई है, बनाई गई है, उसका 10% अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि एमरजेंसी में उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन 10% से अधिक नहीं रखना चाहिए, बाकी का जो 10% से ज़्यादा होगा वो सभी स्टेट्स को दे देना चाहिए, सभी शहरों को जो है बाँट देना चाहिए, ताकि कि जो सभी स्टेट्स हैं, राज्य हैं, सभी राज्य हैं अपने हिसाब से वैक्सीनेशन जो है वो उसको फुलफिल कर सके, लोगों तक वैक्सीन पहुंचा सके और उनको जो है वैक्सीनेट कर सके। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि सरकारों को ये हक होना चाहिए कि वो कोई भी कैटेगरी डिसाइड कर सके कि 45 साल से कम वाले जो भी फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जो कि पब्लिक से सीधा डील करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, अगर उनकी 45 साल से कम उम्र है तो उनको भी जो है वैक्सीन दी जा सके। ये स्टेट के पास हक होना चाहिए, चाहे वो 45 साल से कम है तभी भी उनको जो है वैक्सीन लगनी चाहिए। इन्होंने उनमें कुछ एग्जाम्पल बताई हैं, जैसे कि टीचर्स हो गए, ओके, बस ड्राइवर्स हो गए, टैक्सी ड्राइवर हो गए, पंचायत के स्टाफ हो गए या वकील हो गए, इन सभी को जो है, ये सभी का डीलिंग डायरेक्टली किनके साथ होती है? पब्लिक के साथ होती है, ओके। सो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये भी कहा कि 45 साल से अगर चाहे इनकी उम्र कम है तब भी इनको जो है वैक्सीन लगानी चाहिए, और ये राज्यों के पास ये हक होना चाहिए कि वो अपने अपने हिसाब से आगे आदेश दे सकें कि इनको भी वैक्सीन लगे, चाहे उनकी एज जो है 45 साल से कम है।
अगली बात उन्होंने ये कही कि जो हमारा इंडिया है उसमें उसमें बहुत ही ज़्यादा दवाई बनाने की क्षमता है और वो बना भी सकता है, उसको बनानी भी चाहिए। और पब्लिक लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए सरकार को ये करना चाहिए कि जो जितने भी वैक्सीन प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने वैक्सीन बनानी है उनको फ़ंड प्रोवाइड करे, उनको पैसे दे, उनकी हेल्प करे, जैसे हेल्प हो सकती है वैसे हेल्प करे, ताकि वो जो है आगे लार्ज नंबर ऑफ वैक्सीन बना सके, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन बना सके और लोगों तक पहुँचा सके और राज्य को दे सके। और उन्होंने कहा इसके साथ ही मैं इसमें भी विश्वास रखता हूँ कि जो लाइसेंस की प्रोविजंस होती हैं, जो शर्तें होती हैं मेडिकल लाइसेंस लेने के लिए, वो भी कर देनी चाहिए, वो भी हटा देनी चाहिए और लाइसेंस जो है जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर देना चाहिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को, ताकि वैक्सीन जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके और हम COVID-19 को हरा सकें। उन्होंने और ये भी कहा कि जो है मुझे एक और बात याद आ गई कि जैसे हमने HIV/AIDS को हराया था वैसे ही हम COVID-19 को भी हराएंगे। और उन्होंने कहा कि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि इसराइल ने क्या कर दिया है, इसराइल ने जो भी लाइसेंसी प्रोविजंस हैं, जो भी लाइसेंस के लिए शर्तें रखी गई हैं उसको हटा दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस इशू करने शुरू कर दिए हैं मेडिकल के, ताकि जो मेडिकल कंपनियों को ताकि जो मेडिकल कंपनियाँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन बना सकें। और उन्होंने ये कहा कि इंडिया को भी जल्द से जल्द ये स्टेप लेना चाहिए और जो प्रोविजंस हैं, जो शर्तें रखी गई हैं मेडिकल लाइसेंस के लिए, उसको हटा देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इशू कर देने चाहिए मेडिकल लाइसेंस जो है मेडिकल कंपनियों को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकें। और उन्होंने ये भी कहा कि COVID-19 जैसी महामारी को हराने के लिए हमें वैक्सीनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ करना पड़ेगा। अभी तक इंडिया ने स्मॉल पोर्शन, थोड़ा सा ही हिस्सा इंडिया का जो है अभी तक वैक्सीनेट हुआ है, बाकी का भी पड़ा है। हमें जल्दी से जल्दी इनको क्या करना चाहिए, इनको वैक्सीनेट करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि गवर्नमेंट जो हमारी सरकार है वो मेरे इस सुझाव से क्या करेगी, एक्शन लेगी और इसको इमीडिएटली अप्लाई करेगी। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा नरेंद्र मोदी जी को अपनी एप्लीकेशन में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो और अपने व्यूज़ देना चाहते हो, आप अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में दे सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके कि वैक्सीनेशन जो है कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में COVID-19 को हराने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।